सर कांग्रेस जो है चुनावों में महंगाई को मुद्दा बना रही है, जवाब में क्या कहना है? मैं कांग्रेस को खुली चुनौती देता हूं कि अपने कालखंड के जो उनका कार्यकाल था उसके आंकड़े देखें। 12 से 14% महंगाई कांग्रेस के समय में रही। मोदी सरकार के पहले 5 वर्ष में औसतन महंगाई दर 4.25% थी और अब भी महंगाई पर जिस तरह से नियंत्रण भारत की सरकार ने किया है, हर वो कदम उठाए जिसकी आवश्यकता है। लेकिन कुछ बात है, जैसे कच्चे तेल की कीमतें दुनिया भर में बढ़ी, ये अपने आप में एक विषय है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखें देश भर में बिजली की डिमांड भी बढ़ी। जो कोविड का प्री कोविड का जो समय था, कोविड आने से पहले का, उससे ज़्यादा मांग बिजली की बढ़ गई है। प्री कोविड के जो आपकी पेट्रोल डीजल की खपत थी वो उससे ज़्यादा हो गई है। GST की कलेक्शन आपकी 1,00,000 करोड़ से ज़्यादा लगातार अक्टूबर के बाद रही है। दुनिया भर की एजेंसीज ने माना कि भारत 9.5% की दर से बढ़ेगा, जो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। तो सब दिखाता है कि मोदी सरकार के समय जो कदम उठाए गए वो सही दिशा में थे। अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है, मांग में सुधार हो रहा है और जो टीकाकरण हुआ है उसने लोगों में बहुत विश्वास भरा है। मैं फतेहपुर भी गया हूँ, मंडी भी गया हूँ, जुब्बल कोटखाई अभी नहीं जा पाया, वहाँ पर भी शीघ्र जाऊंगा जैसे पार्टी प्रोग्राम बनाएगी। कल हमारी कैबिनेट मीटिंग थी, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग थी रात के 9 बजे तक। उसके बाद यूपी को लेकर मेरी जो मीटिंग हुई रात को 1:30 बजे फ्री होने के बाद भी सुबह 5:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचकर मैं लगातार यहां पर 3 कार्यक्रम करके आज वापस जा रहा हूं। तो जहां जहां पार्टी ने जब भी कार्यक्रम लगाए उसमें कहीं किसी तरह की मनाही नहीं की। बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, सभी राज्यों को, सब जगह ये किए प्रोग्राम। सर